किसी दूसरी बीमारी से मरे हुए मृत व्यक्ति को कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में दिया जा रहा है कोरोना सस्पेक्ट करार मौत। करनी पड़ रही है कोरोना से मरे जैसे व्यक्ति की तरह दफन विधि या अंतिम संस्कार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे जिसमें लोगों में वैसे चर्चा तो बहुत है मगर आधिकारिक रूप से आज इसकी पुष्टि हो गई। शील परिसर में हीरा रेसिडेंसी में रहने वाला सूर्या परिवार है। इनका एक 20 वर्ष का लड़का मोहम्मद सुफियान मोहम्मद रफीक सूर्या पिछले कुछ दिनों से जॉन्डिस या पीलिया से ये पीड़ित था। इसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो चुका था। उसके रिपोर्ट जो कराए गए उसमें बताया भी गया था कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इसे खून चढ़ाने की जरूरत है। कालसेकर अस्पताल ने इसे घर वापस लौटा दिया था, जिसे बाद में कलवा के शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती किया गया। अब कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती करने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इसे सीधे अस्पताल का जो वार्ड नंबर 3 है, जो कोविड-19 का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पर उसे भर्ती कर दिया। 24 घंटे में उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसको जो सर्टिफिकेट दिया गया परिवार के लोगों के हाथों में, उस सर्टिफिकेट पर लिख दिया गया कोरोना सस्पेक्ट। अब कोरोना सस्पेक्ट के चलते इसकी सहूलियत दफन करने की जो गाइडलाइन है और जो पूरी प्रक्रिया अमल में ला करके मैयत को दफनाने की विधि करना है इस्लामिक धर्म के अनुसार, वो दी गई है MMVL स्थित नए कब्रस्तान में। तो वहां पर ये मैयत ले जाई गई, बड़ी रिगझिग के बाद ये मैयत दफनाई गई। मगर मैयत दफनाने के दूसरे दिन इस मृतक मोहम्मद सुफियान का कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट सामने आया, वो रिपोर्ट नेगेटिव निकला। अब नेगेटिव को आप सीधा सीधा डेथ सर्टिफिकेट जब इशू कर रहे हैं अस्पताल प्रशासन की ओर से, तो उस पर कोरोना सस्पेक्ट लिख दे रहे। कोरोना सस्पेक्ट लिख देने की वजह से कई तरह की जो धार्मिक विधियां होती है, सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं है, सवाल जो है परिवार का, जो अपना एक चला जाता है, परिवार का जो एक गम होता है अपने मरे हुए व्यक्ति का मुंह देखना, उसे अर्थी हो या जनाजा हो कंधा देना, ये तमाम जो विधियां होती है ये करने से आदमी दूर रह जाता है, चूक जाता है। अगर कोरोना पॉजिटिव की मैयत है, उसकी अर्थी है या उसका जनाजा है, तो बात अलग है। मगर सस्पेक्ट है तो जब तक आपके पास उसकी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आ जाती पॉजिटिव या नेगेटिव की, तो उसे ये नहीं देना चाहिए सस्पेक्ट का रिपोर्ट। हमने इस संबंध में आज ही मनपा उपायुक्त जोन 1 के मनीष जोशी का इंटरव्यू किया और उनसे ये मुद्दा भी रखा और ये सवाल भी उनके सामने रखा था। आप वो इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया उसमें वो आप सुनेंगे भी। मगर हम मुमरा कौसा के तमाम नगर सेवकों, तमाम समाज सेवियों, तमाम NGOs और तमाम ऐसे लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस मुद्दे पर आप प्रशासन से बात करें, मनपा आयुक्त विजय सिंघल से बात करें। अस्पताल है जो कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके डीन हैं और हेल्थ के जो यहाँ के मेन हेल्थ अधिकारी हैं मालगांवकर साहब, इन सबसे बात करें और इस मुद्दे को जो है हल करें, क्योंकि इस तरह की अब तक हमें जानकारी मिली है कि कौसा MMVL स्थित इस नए कब्रस्तान में अब तक इस तरह से कोरोना सस्पेक्ट के नाम पर 8 मैयतें दफनाई जा चुकी है, जिनके लिए एक अलग सा मतलब वहां पर सेक्शन बनाया गया है। ये बहुत ही तकलीफदेह काम है, बहुत ही पीड़ा वाला काम है। जो कोरोना से नहीं मरा है उसको भी कोरोना सस्पेक्ट का सर्टिफिकेट दे करके कोरोना मैयत बोल करके, या तो उसका हिंदू धर्म के रीति के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है या फिर इस्लाम धर्म के अनुसार उसकी दफन विधि की जा रही है। और प्रशासन ने, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट ने, इस खेल को तुरंत बंद करना चाहिए, ये हमारा जो है ठोस तरीके से कहना है। क्या नाम है आपका? आपके रिश्तेदार एक भाई थे, नौजवान थे, उनकी मैयत हुई और मैयत के मामले में बड़ी आप लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मेरे भाई का नाम मोहम्मद सुफियान सूर्या है, मोहम्मद सुफियान रफीक सूर्या। उसको पीलिया हो गया था, एक्चुअली उसका ब्लड एकदम कम हो गया था। कालसेकर में लेके गए थे, कालसेकर वाला बोले घर पे लेके जाओ, फिर कलवा हॉस्पिटल में लेके गए, फिर वहाँ पे उन्होंने बोला है कि कलवा हॉस्पिटल में लेके गए, उन लोगों ने रिपोर्ट कोविड-19 बताया। अभी 24 घंटे में डेथ हो गई भाई की,
कलवा अस्पताल ले गए, तो कलवा अस्पताल में ले जाते से ही डॉक्टरों ने उसको जांचा, परखा, फिर कौन से वार्ड में रखा? पहले वार्ड नंबर 1 में लेके गए, पहले फर्स्ट में, हाँ, फिर वार्ड नंबर 3 में लेके गए, कोविड 19 का वार्ड है ना। अच्छा, उसमें लेके गए नंबर 3 जो कोविड 19 के लिए बना हुआ है, आइसोलेशन का वार्ड, उसमें रखे, उसमें लेके गए। अच्छा, हाँ, फिर उन्होंने थोड़ी देर चेकअप किए, फिर 2-4 घंटे बाद स्लैंग चढ़ाए, फिर अचानक 5 बजे बोल दिए कि डेथ हो गई। अच्छा, तो कितनी देर में डेथ हुई आपके भाई की? 24 घंटे में। 24 घंटे में तकरीबन। अच्छा, तो इस दौरान अस्पताल में क्या आपका अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ अच्छा इलाज नहीं कर रहे थे सर। अच्छा, कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, हम लोग को बोल रहे थे बाहर जाओ आप, कुछ ऐसा ध्यान नहीं दे रहे थे, जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। था पेशेंट पीलिया का और बता रहे कोविड-19। अच्छा, कुछ ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, फिर आपके भाई का इंतकाल हुआ, उसकी मौत हो गई, फिर आपने उसकी बॉडी कैसे लाए, कैसे तदफीन हुई, क्या मामला हुआ उसमें पूरा? उसकी बॉडी को ना एकदम प्लास्टिक के अंदर पैक करके दे दिया हम लोग को। हाँ। हम लोग ने फिर लेके गया कब्रिस्तान में। हाँ। कब्रिस्तान वाले भी नहीं बोल रहे थे, शमशान घाट वाले। हाँ। फिर हम लोग ने कैसा भी कब्रिस्तान वाले लेके गए, कैसे भी करके बोले उन लोगों ने। हाँ। फिर कैसे भी करके हम लोगों ने दफनाए। हाँ। हालांकि गुसल भी नहीं हुआ है और ना ही घर वाले दीदार कर पाए। अच्छा अच्छा, ये बॉडी देते टाइम कोई कागज दिया था आपको अस्पताल ने? हाँ, दिया है ना। अच्छा, उसपे क्या लिखा हुआ था? कोविड-19 लिखा हुआ था, सस्पेक्ट करके। अच्छा, और उसके बाद जो है उसकी कोविड-19 की रिपोर्ट क्या आई? आज दोपहर में 2 बजे आई है, नेगेटिव आई है रिपोर्ट, एकदम नेगेटिव। अच्छा, हाँ। और नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद उसको सस्पेक्ट का सर्टिफिकेट देने की वजह से न घर वाले दीदार कर पाए, न गुसल हो पाया और न तरीके से तदफीन हुई ना। बेशक